नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, सड़क पर चलते समय जब भी आपकी गाड़ी पीछे से ठुकती है तो उसके मेनली तीन रीजंस होते हैं। पहला, अचानक किसी के सामने आ जाने की वजह से आप सडन ब्रेक लगाते हैं और आपके पीछे चल रहे गाड़ी का ड्राइवर अनकंट्रोल होकर लड़ जाता है। दूसरी चीज, कभी कभी पीछे वाले ड्राइवर्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में होते हैं, तो आप नॉर्मली अगर अपनी गाड़ी किसी सिग्नल पर या फिर ब्रेकर पर रोक रहे हैं या फिर स्पीड स्लो कर रहे हैं, तब भी अपने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आकर घुस जाएंगे। तीसरा है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, जिस वजह से आज के टाइम पर इंडियन रोड्स पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको चार एक्सीडेंट्स दिखाए थे जिसमें अलग अलग गाड़ियों के ड्राइवर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बिल्कुल वैसा ही कुछ आपको आज फिर से देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ से टाटा सफारी के ओनर ने शेयर किया था, हालांकि हुआ ये कर्नाटका में किसी जगह पर है। यहाँ पर होता क्या है कि भाई रात के समय अपने टाटा सफारी से एक फोर लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एसयूवी की स्पीड नॉर्मल है, सड़क के स्पीड लिमिट के हिसाब से ही इसे चलाया जा रहा है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद आगे एक छोटा सा पुलिया पड़ता है जिस पर सफारी के ड्राइवर अपने गाड़ी के स्पीड को स्लो करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर रोड थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तो तेज रफ्तार में गाड़ी को निकाला नहीं जा सकता है। अब बिल्कुल उसी समय पीछे से एक महिंद्रा बोलेरो आ रही होती है जिसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है और शायद इसका ड्राइवर जो है वो इस पुलिया पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए ये अपने गाड़ी की स्पीड भी स्लो नहीं करता है और सीधा उसी स्पीड में आकर सफारी को बैक साइड से हिट कर देता है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं बोलेरो का जो ड्राइवर है उसने बिल्कुल भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की है। अब इनका ध्यान कहीं और था या फिर ये समझ नहीं पाए कि सफारी की स्पीड कम हो गई है, वो तो नहीं पता। भाई ने उसी रफ्तार में आकर सफारी को बैक साइड से हिट कर दिया है। खैर, यहाँ पर टक्कर भी ठीक ठाक हुआ क्योंकि बोलेरो की स्पीड ज़्यादा थी और इसीलिए इम्पैक्ट से बोलेरो का फ्रंट कुछ हद तक डैमेज हो गया है, इसका बोनट अंदर घुस गया है और शायद ग्रिल वगैरह टूट गया होगा। एग्जैक्टली इसमें कितना नुकसान आया वो तो नहीं पता, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही इसका ड्राइवर स्पॉट से निकल गया था, रुका नहीं, जबकि सफारी के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया था। इनको ऐसा लगा कि एक्सीडेंट के बाद बोलेरो वाला रुकेगा, इसलिए ये भी उतर कर अपने गाड़ी से बाहर आ गए और बोलेरो वाला कुछ देर तक वहां पर रुका हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौका पाकर वो स्पीड बढ़ाते हुए निकल गया। सफारी के बैक साइड में देखें तो इसका बूट अंदर घुसकर डैमेज हो गया है और बम्पर में स्क्रैचेस और डेंट्स आ गए हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ज्यादा नुकसान गाड़ी में नहीं आया है। तो भाई, ऐसे हाईवेज पर रात के समय कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए जितना आप सामने वाले गाड़ियों से दूरी बनाकर रखेंगे, उस पर बराबर नज़र रखेंगे और अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखकर चलाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर अतुल जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने नेक्सॉन से दिल्ली के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक जगह पर इनको रेड लाइट सिग्नल दिखाई पड़ता है और ये अपने गाड़ी को उसके पहले ही रोक लेते हैं। साथ ही वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे से आ रही और भी गाड़ियां इनके पीछे ही रुक गई हैं और इन्हीं गाड़ियों में पीछे की तरफ आपको एक वाइट कलर की पोर्शे भी आते हुए दिख रही होगी। इसके ड्राइवर ने काफी पहले ही ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को राइट में रोक दिया है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, क्योंकि आगे काफी ज्यादा जगह खाली पड़ा हुआ है। खैर, होता क्या है, सभी गाड़ियां जब आकर रुक जाती हैं, नेक्सॉन के जस्ट पीछे एक वाइट कलर की सीएस भी आकर रुक जाती है, तब अचानक से पोर्शे के ड्राइवर अपने गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और सीधा आकर सीएस को बैक साइड से हिट कर देते हैं, जिसके बाद सीएस नेक्सॉन के बैक साइड में लड़ जाती है। मैं अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों की तथा प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता कि तू जो कहेगी वही करूंगा। तब कैकई प्रसन्न होकर बोली, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, देवता आदि इसके साक्षी रहे। महाराज, आपने शंबरासुर के युद्ध में मैंने उस समय कुछ नहीं किया, आपके स्थान पर मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो, और दूसरा ये कि राम तपस्वी के वेश में तुरंत यहाँ से चले जाए। यहाँ पर भाई वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो पोर्शे है वो काफी देर में आई है, सभी गाड़ियां आराम से रुक गई थी, उसके कुछ सेकंड बाद अचानक से ये पीछे से आई है। अब इसके ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे और इनको चीजें पता नहीं चल पाई। जब इन्होंने अपने गाड़ी को राइट में रोका था तो सामने काफी ज्यादा जगह खाली पड़ा हुआ था और वही सोचकर बिना आगे देखे इन्होंने शायद गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया है।
बाकी इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज तो लग नहीं रही है, क्योंकि भाई गाड़ी अगर पहले से आ रही होती तो ये कहा जा सकता था कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही गाड़ी आकर कुछ देर तक रुक चुकी है, तो वैसा कुछ सीन नहीं हो सकता है। जो भी हुआ है यहाँ पर ड्राइवर के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से ही हुआ है। खैर, यहाँ पर पोर्शे की स्पीड तो नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट काफी जबरदस्त पड़ा और यही वजह थी कि गाड़ी का लेफ्ट साइड फ्रंट अंदर घुसकर बुरी तरह डैमेज हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट टूट गया है, बम्पर टूट गया है और फेंडर में भी डैमेज आ गया है। जबकि दूसरी तरफ सियाज को देखा जाए तो इसका भी बैक साइड काफी हद तक अंदर घुस गया है। इसके अलावा इसका टेल लाइट, बूट और बम्पर भी टूटा हुआ दिख रहा होगा आपको। वहीं नेक्सॉन में लड़ने की वजह से इसका बोनेट, बम्पर और ग्रिल पिचक कर डैमेज हो गया है, जबकि नेक्सॉन के बम्पर में थोड़े बहुत माइनर से स्क्रैचेस और डेंट्स आए हैं। बहुत ज्यादा कोई नुकसान इस गाड़ी में नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपकी एक छोटी सी गलती एक बड़ा एक्सीडेंट करवा सकती है। वो तो कहिए कि सामने फोर व्हीलर्स खड़ी हुई थी, इसीलिए एक्सीडेंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा या फिर मेजर नहीं हुआ। अगर पोर्शे के सामने कोई बाइक वगैरह रही होती तो उस सिचुएशन में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसीलिए भाई आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि गाड़ी चलाते समय अपना पूरा ध्यान सामने की तरफ रखिए। कई बार होता है लोग सिटी के अंदर जब रेड लाइट सिग्नल होता है तो थोड़ा सा टाइम मिलते ही वो फोन वगैरह यूज करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सब करते हुए आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कब आपका ध्यान सामने से हट गया है और कब आपकी गाड़ी आगे चली गई है। इसलिए गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल ही दूर रहें और रोड्स पर चलते समय खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और भाई क्या लगता है कि पोर्शे के ड्राइवर ने ऐसे अचानक से एक्सेलरेट क्यों किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।